जिंदगी जो है ना वो एक एग्जाम की तरह है, और इस एग्जाम में ना ज्यादातर लोग फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे का नकल कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, इसीलिए फेल हो रहे हैं। तो जिंदगी में सबकी समस्याएं अलग होती हैं। आप दूसरे की समस्या से केवल साहस ले सकते हैं, उसका तरीका नहीं अपना सकते। हिम्मत बनाए रखिए कि नहीं, हमें भी इस सफलता को पाना है। और ये जिंदगी जो है ना एक अजीब सी रेस है यार, समझ में नहीं आता है। अगर तेज भागिएगा तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे, और धीमे दौड़िएगा तो आपके अपने ही आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जिंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखो यार कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। अपने ज़िंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती है, मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। परिस्थितियां सबके सामने होती है, जो डट के रहा उसे मंजिल मिली और जो नहीं डटा वो हार के चला गया। जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं, हम घिर जाते हैं चारों ओर से, तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, न कि उस परिस्थितियों से निकलते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है। कभी सोचा है भगवान को कितना बुरा लगता होगा? सोचते होंगे कि बंदा केवल हमसे मांगने ही आता है, यार कभी मिलने भी आया करो। हमको तो लगता है किसी दिन भगवान निकल के बोलेंगे कि यार केवल तुम लोग हमसे मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो भगवान से या अल्लाह से सबसे एक दुआ मांगिए कि आप हमको मुसीबत देना है आप दीजिए, आप जिस तरह से हमें खुशी देते हैं उसी तरह से हम आपके दिए गए दुखों को भी अपनाएंगे। लेकिन हाँ, उस दुख से लड़ने की हिम्मत भी जरूर दीजिएगा। और सबको अपने अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा किनारे इतनी भीड़ नहीं लगी रहती। देखिए जिंदगी में आपसे भी कुछ गलतियां होंगी, और गलती किससे होती है? जो काम करता है, मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती है। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। देखिए सफलता असफलता में थोड़ा सा का अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी, और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल जरूर होइए। देखिए 97% लोग जो है ना वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं, और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, दादाजी बहुत पहुंच वाले हैं, तो उनकी बदौलत हमें कोई काम मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगा। तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। आप वाला हाल कभी मेरा भी रहा है, इसलिए मैं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ, है ना। मेरा हाल ऐसा रहा कि मैं जिस भी एग्जाम में बैठा टॉपर रहा, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, हर जगह पर हमेशा आगे आगे उड़ता रहा। अपने आप को समझने लगा कि मैं तो बहुत बड़ी चीज बन गया हूं। लेकिन फिर वही वाली बात कि जब आप बहुत बड़ी चीज बन जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप कुएं के मेंढक हैं, एक बार निकल के समुंदर का दर्शन करके आइए, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या बन गए हैं। आपका RAS प्री निकला है, SI निकला है, मैं आपको इसी पे बताता हूं। मैं साहब IIT में एडमिशन लिया तो उस समय मेरी ऑल इंडिया रैंक IIT के अंदर जी थी वो 41 थी, जिसके आधार पर मुझे एडमिशन मिल रहा था। मेरी परसेंटाइल थी 99.41, है ना। तो बहुत अच्छे से मेरा IIT कानपुर में एडमिशन हुआ साहब। अब एडमिशन हुआ तो मैं अपने आप में उड़ता हुआ गया कि भाई मैं ऑल इंडिया रैंक 41 हूँ, तो भाई AIR 41 की थोड़ी इज्जत विज्जत होनी चाहिए। पहुँच गए हम साहब, गेट के एग्जाम के थ्रू हम पहुँचे थे IIT कानपुर में। वहाँ पहुँचे तो जिससे हमारी मुलाकात हुई वो विद्यार्थी रैंक 1 था। हम एकदम सदमे में, हमने कहा कि यार तुम ही एक प्राणी हो जो रैंक 1 मिले हो हमें। फिर अचानक हमें पता चलता है कि वहाँ गिनती से सारे टॉपर्स हैं। कोई बता रहा है कि साहब हम JEE के रैंक 1 हैं, कोई बता रहा है कि साहब हम फलाने साल के रैंक 1 हैं, कोई बता रहा है कि हमने इस एग्जाम में ये स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली है, कोई बता रहा है कि हमारा MIT में एडमिशन हो गया है। हम एकदम घबरा गए, हमने कहा यार ये क्या चल रहा है। तो कहने का अर्थ ये है मित्र कि हम जिस सर्कल में रहते हैं हम उसके टॉपर जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में हमारे ऊपर कोई ना कोई शेर जरूर बैठा है। इसलिए कहावत भी है राजस्थान में, हर शेर को एक सवा शेर जरूर मिलता है, है ना। हम अगर शेर हैं तो हमें सवा शेर जरूर मिलेगा। हमको अगर लगता है कि हमने कुछ उखाड़ लिया है तो हमारे ऊपर भी कोई भाई बैठा हुआ है। वही मैं कई बार सोचता हूं कि गलती से अंकित अवस्थी तुम्हें यह लगने लग जाए कि तुमने बहुत कुछ जीवन के अंदर पा लिया है, तो फिर अचानक रियलाइज करो कि बेटा तुम्हारे जैसे ना इस शहर में इतने लोग हैं कि सरकार उनकी जनगणना तक नहीं करवाना चाहती है कि कितने करोड़पति शहर में रहते हैं। कारण यह है, हमारा अपना कैलकुलेशन का तरीका है। आज आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के अंदर देखिएगा कि एक चौराहे पर
एक घर ऐसा जरूर होगा या एक प्लॉट ऐसा जरूर होगा जिस भी शहर गांव देहात में जहां भी रहते हो जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। आपके शहर के अंदर एक ना एक सिटी सेंटर जरूर होगा जहां पर कोई प्लॉट कोई दुकान जिसकी कीमत करोड़ों में है। आप विचार करिए कि वो करोड़ों वाले कितने लोग होंगे इस पूरी धरती पर।